जो ये वाले हैं ऐसे हो जाएंगे। ये वही तितली के बच्चे हैं जो छोड़ के गई थी तितली यहाँ पे, और ये सब पत्ते खा रहे हैं। बट ठीक है, चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग अच्छे से हैं, और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। हम एक दो दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और हम शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। हमारे डेली व्लॉग्स अब हो गए हैं शुरू दोबारा से। ये है गद्दा, अभी हमने गद्दा डाला है क्योंकि ये कट हो गया है यहाँ से क्रैक। देखते हैं अभी क्या सेटिंग बनती है, उसके बाद सोचते हैं। अगर सही लगे तो कर लेंगे। क्या इतना है का बेड? हम सोच रहे हैं ये जो स्पेस है ऐसी कोई स्पेस बन जाए, लेकिन ताकि बाकी के काम हो सके यहाँ बैठ के। हो जाएगा इतना स्पेस? सेटिंग हो गई। ये वाली बेड इधर था तो ये इधर हो गया, ये सोफा इधर था यहाँ आ गया, और ये वाली सेम रहा। इस सेम पहले भी था टी वी यहाँ पे पौधा, और ये जो स्पेस है इतना ये बच गया हमारा, तो इतना स्पेस बच गया। ये वाला सही लग रहा है ना। ये दोनों फंस गए थे, ये और ये इधर आ ही नहीं रहे थे, बीच में ऐसे हो गया था। अभी ठीक है, हो गया फाइनली। अभी आपको लेके चलते हैं जो हमने किया था दो तीन दिन पहले, किया था चार दिन पहले किया था आई थिंक, और उसको करना मैं भूल ही गया। उनको पौधे में डालना भूला नहीं है, बट कि वो दिमाग से निकल गया है, बहुत सारे काम हो गए थे, तो आज उसको पौधों में डालते हैं। इसमें फ़ोन है, गिर जाए बस। ये था अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर, और उसमें मैंने डाल दिया है 20 लीटर पानी। तो ये है मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए बड़ा सही होता है। अगर आपको बनाना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैं सब में डाल देता हूँ और फिर मिलते हैं, नहीं तो फोन गिर जाएगा इसके अंदर। पानी भी दे दिया है पौधों को, और वो फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। तो अब शुरू होगा कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी इसमें, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा सब प्लांट्स को, और धीरे धीरे आई एम होपिंग कि हमारे पास न्यू फ्लावर्स होंगे हिबिस्किस के, और थोड़ा सा और ग्रीन हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ, और घर पहुंच के आपको एक बहुत सही चीज़ दिखाने वाला हूं मैं, जिसके बारे में एक हिंट दे देता हूं कि वो है प्लांट से रिलेटेड जो हमने प्रोपोगेट करे थे। गिफ्ट चिया का, ये इसका बैग है, ट्रॉली बैग, जाएंगे घूमने जाएगी तो यही लेके जाएगी अपने अलग से लेके। ये इसके हवन पे आया था, इसकी माची ने गिफ्ट किया है। जो मैं अभी आपको दिखाने जाने वाला हूँ वो है रबर प्लांट प्रोपोगेट किया था,
तो वहां के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज है। ग्रोथ हुई नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ग्रोथ मैं देख रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखो वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट रूट्स निकल रही है यहाँ पे। तो ये अभी हम नहीं कह सकते कि जो प्रोपोगेशन वाला जो सीन हमने किया है, ये जो हमने कार्यक्रम किया है, ये अभी सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं। इसके लिए कम से कम 2 महीने हमें चाहिए, और उसके बाद में इसकी रूट्स काफ़ी, अगर इतनी इतनी बड़ी हो जाएगी तब इसको हम दूसरे पॉट में प्लांट कर देंगे। बट फिलहाल के लिए अगर आपके पास भी एक रबड़ प्लांट है, अगर आप प्रोपोगेशन का सोच रहे हो तो कर सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं था ये, मैंने सिर्फ वीडियोस देखी हैं आज तक। हमारा इतना हो गया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम सक्सेसफुल रहे हैं इस प्रोपोगेशन। राइट काटना भी बड़ा ही मायने रखता है। हम राइट जगह से काटना, राइट जगह से कटिंग लेना रबड़ प्लांट की, उसके बाद में उसको पानी में रखना, पानी चेंज करना हर 5 दिन बाद या 6 दिन बाद, 7 दिन बाद चेंज कर लो, बट पानी चेंज करना ज़रूरी है। और आपको मिल जाएगा एक दूसरा रबड़ का प्लांट एक रबड़ के प्लांट से। और जैसे जैसे मैंने दूसरे भी प्लांट्स प्रोपोगेशन पे डाले हुए हैं, देखते हैं उनका रिजल्ट भी, वो सॉइल में है तो उनका रिजल्ट भी देखेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।